गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा है, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा, अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। हमको नाराजगी लेसी सिंह से है, हम बार बार वही बोल रहे हैं, हमको उनसे नाराजगी है किस आधार पर उनको बनाया गया। आरोप जो है, आरोप उन पर जो आरोप लगा था, हत्या का आरोप लगा था, जो इसके विरोध में बोलते हैं उसको जो है दबाने का काम करती है, उसको मर्डर करवाने का काम करती है, किसका आवाज जो है कि कोई नहीं इसके विरोध में बोली। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, पाला बदल करके नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सीएम पद उनका इधर भी सुरक्षित था, सीएम पद उधर भी सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से रार मची हुई है। पहले सवाल उठे आरजेडी के नेताओं पे, कार्तिकेय सिंह पे, कि जिस दिन वो 16 अगस्त को शपथ ले रहे थे उसी दिन किडनैपिंग के मामले में कोर्ट में पेशी थी, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट था, लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचे, शपथ लेने पहुंचे। इसके बाद दूसरे नेता सुधाकर सिंह पे, जो कि कृषि मंत्री हैं, आरोप लगे कि वो तो चावल गबन के आरोपी हैं। अब ये आरजेडी उसका जवाब दे रही है। इसी बीच जेडीयू से खबर आई कि वहां भी रार छिड़ गई है। क्या तो पूर्णिया से दो महिला विधायक हैं, एक हैं लेसी सिंह जो धमदाहा से हैं और दूसरी हैं रुपौली से बीमा भारती। बीमा भारती को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, लेसी सिंह को मंत्री बना दिया गया। बीमा भारती की बेटी चुनाव लड़ी थी, स्थानीय निकाय की 3 वोटों से हार गई। आरोप है कि लेसी सिंह ने ही हरवा दिया। बीमा भारती फट पड़ी कि लेसी सिंह को ही बार बार क्यों मंत्री बनाया जाता है, वो गवाहों की हत्या करा देती है, जो उनके खिलाफ बोलता है उनकी हत्या करा देती है, रंगदारी वसूलती है। और क्या कहा सुन लीजिए बीमा भारती ने। हम लोग संघर्ष करके आए हैं। मैडम आपकी नाराजगी किन से ये बताइए। हमको नाराजगी लेसी सिंह से है, हम बार बार वही बोल रहे हैं, हमको उनसे नाराजगी है किस आधार पर उनको बनाया गया। आरोप जो है, आरोप उन पर जो आरोप लगा था, हत्या का आरोप लगा था, पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, पटना में धरना प्रदर्शन हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, कहाँ क्या हुआ, जो इसके विरोध में बोलते हैं उसको जो है दबाने का काम करती है, उसको मर्डर करवाने का काम करती है, किसका आवाज जो है कि कोई नहीं इसके विरोध में बोली, ऐसा दहशत फैला करके रखने का काम करती है। हम अपने खुद ही इस्तीफा विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हम मैडम तो इनका पहले वो एनडीए अलायंस में भी थी, उसमें भी तो मंत्री थी। हाँ तो हमको नहीं दुख था, हमको भी मंत्रालय दिया गया था उस टाइम में। इस बार जो है इस तरह का आरोप लगाने के बाद उसको मंत्री बनाया है, तब हमको जो है कि दुख हुआ है। ऐसा संबंध इसका जवाब देने के लिए खुद नीतीश कुमार सामने आए। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये सुन लीजिए। आप इसके बारे में बोल रहे हैं, हम कहाँ कब से मंत्री बनाए, 13 से मंत्री बनाए, आप जरा सोच लीजिए कितना बार बनाए, कोई मतलब है क्या? इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो हम कह दिए हैं पार्टी के लोगों से, सब बात कर लेगा, ये सब कोई मतलब नहीं, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। आज से बना रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं कि 13 से बनाए, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी, और फिर इस बार बनी है, और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ा। तो इस तरह से बोलना चाहिए कहीं, इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे, 2 बार मौका दिया, और जब पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में, ये सब भूल गया आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ, वो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कह कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं हमारे ऑफिस में, कर हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा, अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया है, गलत बात है, इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। और कब से हम बनाए हुए हैं आप सब लोग जानते हैं ना,
काज कोई बोलेगा। लेकिन सर पार्टी कार्रवाई कर सकती है उनसे, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सम्मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, तो आपने क्या बोली सोच लीजिए। जो बोली है तो बोली है अपना। जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार दो टुक कह रहे हैं कि मैंने मिलने के लिए बुलाया था, वो नहीं आई, उन्हें समझाया जाएगा, इसके बाद भी नहीं मानती हैं तो जहां जाना है वो जाए, किसी के इशारे पर बहकावे में ऐसा बोल रही है। आखिरकार दोनों महिला नेताओं का क्या झगड़ा है? दोनों महिला नेता पूर्णिया से आती हैं और दोनों के पति दबंग रहे हैं, दोनों में प्रतिद्वंदिता है। बीमा भारती का दर्द यह है कि वो भी पहले मंत्री रह चुकी हैं, लेसी सिंह भी मंत्री रह चुकी हैं, लेसी सिंह इस बार भी मंत्री बनने में कामयाब हो गई, लेकिन बीमा भारती को मंत्री नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हर किसी को हर बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेसी सिंह के मामले में जो दो टूक बोले हैं नीतीश कुमार, उसका मतलब साफ है कि लेसी सिंह मंत्री पद से नहीं हटाए जाएंगी, बीमा भारती को जो करना है वो करें। तो अब देखते हैं कि ये झगड़ा यहीं खत्म हो जाता है या बीमा भारती कोई कदम उठाती है। इस पे बिहार के पॉलिटिक्स पे हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।